हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम जब ट्रेड ले लें तो उसके बाद वो चलना चाहिए वो साइडवेज हो जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता अभी दो दिन पहले जो फॉल आई थी इलेक्शन की वो भी इतनी ब्यूटीफुली इसमें कैप्चर हुई है जनरली मैं जो है टू टू थर्टी के बाद नया ट्रेड नहीं ले हो गया ना और वैसे भी इतना अच्छा पॉइंट्स मिल गए और क्या चाहिए लाइफ एक कॉम्प्लिकेशन जो लोगों को आती है कि एसएल हिट होने के बाद हम ट्रेड नहीं ले सकते क्यों वापस ने ट्रेंड ऊपर दिखाया है ट्रेडर है फिर से ले लो लोरा जो ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है आपको कभी क्रॉस नहीं दिखेगा और टाइमिंग मतलब जो कैंडल्स के पीरियड रहेंगे वो फाइव मिनट्स ये फाइव मिनट्स हम क्यों रखते हैं क्योंकि फाइव मिनट्स में एक्शंस बड़े फास्ट होते हैं नमस्ते फ्रेंड्स मेरा आज का टॉपिक है आप इसे स्कैल्पिंग भी बोल सकते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी बोल सकते हो ट्रेंडिंग में काम आता है रिवर्सल में काम आता है मतलब अगर सिर्फ बायर है जो बाय करके सेल करते हैं वो क्या कहते हैं मैं सिर्फ तेजी करना जानता हूँ ओके उनके लिए भी है जो कहते हैं मैं सिर्फ मंदी करना जानता हूँ उनके लिए भी है और जो तेजी मंदी दोनों कर सकते हैं उनके लिए भी है तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्कैल्पिंग ये हम कर रहे हैं ऑन निफ्टी हम किसी में भी कर सकते हैं तो आज मैं आपको निफ्टी पे बता रही हूँ नेक्स्ट टाइम बैंक निफ्टी और ऑप्शंस पे भी सब पर ये सिखाऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं पहले मैं निफ्टी के साथ तो फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ मैं बैंड लेती हूँ हाई लो का हाई एंड लो और इसमें मैं क्या रखूंगी फाइव ई एम ए और टाइमिंग्स मतलब जो कैंडल्स के पीरियड रहेंगे वो फाइव मिनट्स ये फाइव मिनट्स हम क्यों रखते हैं क्योंकि फाइव मिनट्स में एक्शंस बड़े फास्ट होते हैं हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम जब ट्रेड ले लें तो उसके बाद वो चलना चाहिए वो साइडवेज हो जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता होता है ना सबके साथ यही कि लेने के बाद फिर जो मूवमेंट चाहिए वो तुरंत चाहिए तो इसीलिए हम फाइव मिनट्स में आते हैं क्या होता है फ्रेंड्स सबकी ट्रेडिंग टेम्परामेंट अलग होती है कुछ लोग बाइंग सेलिंग फास्ट करना चाहते हैं इंट्रा में निकल जाना चाहते हैं तो सबके लिए मार्केट बना हुआ है तो चलिए हम निफ्टी की फाइव मिनट्स की हाई लो बैंड के साथ में कैसे ट्रेड करेंगे तो जब हमने ये ट्रेड बना लिया या ये जब हमने देख लिया तो हम इस पे जाएंगे और इंडिकेटर्स में जाएंगे ई एम ए हमने डाला ई ए लेके हम क्या करेंगे इसकी सेटिंग्स चेंज कर देंगे और इसे बना देंगे फाइव और ले लेंगे लो इसी को हम फिर से कॉपी कर लेते हैं मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो कंट्रोल सी किया अभी कंट्रोल वी कर देते हैं हो गया कॉपी यहाँ पर हम आके इसे हाई पे ले जाएंगे और इसके कलर को चेंज करके रेड कर देते हैं थिकनेस ये रखेंगे थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं हम थिकनेस अपने हिसाब से लेकिन थिकनेस में थोड़ी रखती हूँ जिससे क्या है कि लाइंस जो है वो क्लैरिटी के साथ दिखें ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है आपको कभी क्रॉसओवर नहीं दिखेगा इसमें क्यों क्योंकि हाई और लो के हिसाब से चलती है और फाइव डेज फाइव ई में फाइव डेज अगर मैं जहाँ पे भी यूज़ करूँ तो उतने ही नंबर ऑफ़ कैंडल्स का वो एवरेज लेती है ई एम थोड़ा मुझे लेटेस्ट डेटा को ज़्यादा वेटेज मिलता है थोड़ा स्पीड ले लेता है इसलिए वी प्रिफ़र फाइव में अब इसमें हम क्या करते हैं चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वॉलटाइल डेज में भी काम आता है हर तरह से काम आता है हाँ ठीक है टाइम्स में स्टॉप लॉसेस बड़े होते हैं तो टारगेट भी बड़े होते हैं अभी दो दिन पहले जो फॉल आई थी इलेक्शंस की वो भी इतनी ब्यूटीफुली इसमें कैप्चर हुई है आपको मैं वो भी दिखाना चाहती हूँ अगर आप भी इंटरनेट ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो हमने आपकी फेवरेट ज्योति मैम के साथ मिलकर एक कोर्स डेवलप किया है इस कोर्स में मैम ने हमें सिखाया है कि हम इंटरडे बेसिस पर ब्रेकआउट ट्रेड्स को कैसे बहुत ईजी हो सकता है ये कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म में सिर्फ थ्री हंड्रेड एंड में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो और साथ में आज का पिछला थोड़ा सा हम इस पर ट्रायल लेते हैं देखते हैं हम इसको करते कैसे हैं तो हम इसका एक स्क्रीनशॉट लिए हैं ये जो है ये डिवाइडर्स हैं। ये है फोर्थ जून सबसे इंपॉर्टेंट डे फोर्थ जून रिजल्ट्स डे इसके बैंड के नीचे मार्केट खुला था राइट right? चलो पहला कैंडल हमने छोड़ दिया लो टूटते ही अगर हमने बाय किया अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो पहली बार ये वाला डे हाई इसका स्टॉप लॉस होगा अब इलेक्शन डे है इलेक्शन के रिजल्ट्स थे तो इतना वॉलेटाइल है अदरवाइज नॉर्मल डे में इतनी वोलेटिलिटी नहीं रहती बड़ा लंबा लॉस प्रॉफिट है या इसके ऊपर क्लोज आया रेड लाइन के ऊपर तो यहाँ पे मेरा एस एल ट्रेलिंग हिट हो गया एग्जिट अब इसके ऊपर जब ग्रीन कैंडल बंद होके उसका हाई क्रॉस करेगी तो बाय आएगा तब तक बाय नहीं आएगा यहाँ पे इसने इसके ऊपर क्लोज किया इसका हाई ये क्रॉस नहीं किया इसके बाद ये जब नीचे आया ये नीचे आया यहाँ पे मेरा फिर से सेल खड़ा हो गया अब मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा ये प्रीवियस स्विंग हाई ले सकती हूँ एज अ स्टॉप लॉस ओके 200 पॉइंट्स के करीब है ये वॉलेटाइल मार्केट है इलेक्शन डे के रिजल्ट का इसलिए आपको ये ज़्यादा लग रहा है और इसने देखिए कहीं भी ये रेड लाइन के ऊपर बंद नहीं दिया है यहाँ पे मेरी पोजीशन कट गई क्लोज होने के बाद मुझे क्लोज चाहिए अगर हाँ अब यह है कि क्लोजिंग के टाइम पे कोई बड़ा कैंडल बन जाए तो जैसे पहला वाला ये स्टॉप लॉस था फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया लेकिन इस लाइन के बाहर क्लोज नहीं हुआ और वहाँ से जो वापस घूमा तो मेरा ट्रेलिंग एस एल यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा अब इससे क्या होगा कि मुझे लॉस तो नहीं होगा ना और खड़े रहे यहाँ पर जैसे ही आए क्लोज़ पोजिशन कट अब इसके बाद मुझे पूरा घूम गया मार्केट तो चलो अब आगे क्या करना है वो भी बताती हूँ ये क्लोज किया इसका हाई ब्रेक किया इट विल बी अ बाय एंड आई विल कंटिन्यू मेरा पहला स्टॉप लॉस अगेन ये वाला बहुत दूर है तो मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस ले लूँगी अगेन इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली थ्री हंड्रेड पॉइंट्स अब इतना कमा लिया मार्केट की दया से किसी के भी इससे कहाँ से कमाना शुरू किया यहाँ से बाईस छः सौ के आसपास से लेके और अगर मैंने आठ सौ रुपये कमा लिए हज़ार रुपये कमा लिए तो तीन सौ का रिस्क तो बन सकता है नॉट अ प्रॉब्लम ओके हज़ार नहीं तो भी आठ सौ रुपये कमाए तीन सौ का रिस्क तो ले ही सकते हैं तो फिर से हम सेम चीज़ पे यहाँ पे आते हैं और अब ये दूसरा स्क्रीन है उसी का कंटिन्यूशन जहाँ पर हमने ये बाई किया था इस लेवल पे और जैसा हमने कहा था ये हमारा स्टॉप लॉस होगा अप्रॉक्सीमेट 300 पॉइंट्स ओके okay? इक्कीस पाँच सौ ले कहाँ आ रहे हैं इक्कीस आठ सौ के आसपास अब जैसे जैसे मार्केट यहाँ जाएगा हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इतने पे हिट हो गया क्यों क्योंकि इसके नीचे क्लोज दे दिया ये मुझे क्लोज चाहिए इस लाइन के नीचे तो मैं एग्ज़िट कर जाऊंगी मैंने यहाँ पे क्यों एग्जिट किया क्लोज मिल गया मुझे लोअर बैंड के नीचे ये क्लोज दे दिया आई एम आउट तो यहाँ पे जो बाय था अप्रोक्सीमेटली इक्कीस आठ सौ जो मुझे करीब डेढ़ सौ दो सौ पॉइंट दे के चला गया नॉट अ बैड डील अब आते हैं कि फिर से इसमें ट्रेड बनता है कि नहीं यहाँ पे क्लोज दिया फिर इसका लो तोड़ा यहाँ पे क्लोज दिया लेकिन लो नहीं तोड़ा यहाँ पे दिया बट टाइमिंग ऑलरेडी थ्री के पास पहुँच गया जनरली मैं जो है टू टू थर्टी के बाद नया ट्रेड नहीं लेता हो गया ना और वैसे भी इतना अच्छा पॉइंट्स मिल गए और क्या चाहिए लाइफ में ये कैश का चार्ट है स्पॉट का चार्ट है सेम वे में हम फ्यूचर्स का भी चार्ट देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है हम यहाँ पे निफ्टी स्पॉट की जगह निफ्टी फ्यूचर्स लगा सकते हैं बात एक ही है मूवमेंट देखिए सेम था यहाँ पे क्लोज एग्जिट इसे ये तो चलिए इलेक्शन वोलेटिलिटी थी क्या हम इसे रेगुलर में यूज कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं आप जहाँ से कहें हम वहीं से स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे देखें हमें बैंड में कहीं कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही ऊपर बन दिया उसका हाई नहीं तोड़ा नीचे बन दिया उसका लो नहीं तोड़ा फिर ऊपर बन दिया उसका हाई नहीं तोड़ा तो मतलब ये पूरा का पूरा एक तरह से साइडवेज जोन है यहाँ आकर दिया तो तीन बजे के बाद तो के आसपास तो मैं ट्रेड लेती नहीं हूँ और अच्छा किया नहीं लिया अब यहाँ पर ये क्लोज दिया इसके ऊपर बैंड के ऊपर और उसके बाद ये ट्रेड मिला यहाँ पे एग्जिट क्लोज है नीचे ठीक है कहाँ पे हमने ट्रेड लिया 690 नाइनटी एग्जिट सेवन ट्वेंटी एग्जिट इज एन एग्जिट स्टॉप लॉस सिक्स फिफ्टी पॉइंट रफली और एग्जिट इज एन एग्जिट वापस चलेगा ऊपर हम फिर लेंगे यहाँ पे क्लोज़ किया लेकिन हाई क्रॉस नहीं किया उसी के अंदर अंदर चलते गए देखिए क्लोज़ किया हाई नहीं क्लोज़ किया हाई नहीं क्लोज़ किया ये देखिए ये क्लोज़ है और फिर ये क्लोज़ हाई किया नहीं किया क्योंकि रेड कैंडल को तो हम वैसे भी नहीं मानेंगे फिर उसके बाद जो गया उसका हाई नहीं ब्रेक किया कहीं पे भी मज़ा नहीं आया अब हम आते हैं यहाँ पर करते करते यहाँ पर पहुँचे क्लोज़ किया हाई ब्रेक किया बाई किया चलो अभी हम बाई का भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे तो चलिए हमने लेटर से यहाँ पे कहीं बाई किया हमें वो टाइम पे पता नहीं होता कि ये रेड है कि ग्रीन है और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा यहाँ पे लो बैंड के आसपास तो मतलब बाय 910 के आसपास पकड़ लीजिए और स्टॉप लॉस होगा 870 के करीब 40 पॉइंट्स के आसपास और कहीं पे भी हिट हुआ क्लोजिंग में तो जाना ही पड़ेगा छोड़ के तो पैसा आया 910, 911, 915 से लेके कर सत्तर अस्सी पॉइंट आ गए और क्या चाहिए अब सेम चीज़ यहाँ पे बैंड में घूम रहा है क्लोज़ ये सब ओपन होते ही सीधा ऊपर खींच लिया यहाँ तक भी मुझे कोई ट्रेड अच्छा नहीं मिल रहा है ये यह मिला यहाँ पे क्लोज़ हुआ ये मिल गया बट अभी तक नीचे बंद नहीं दिया है दिख रहा है नीचे बंद नहीं दिया है यहाँ पे दिया है अल्टीमेटली यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एस एल हिट हुआ है बट लॉस नहीं हुआ है प्रॉफिट ही हुआ है अभी यहाँ से देखिए ये जो फिर से हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन करेंगे कि हमने बाय कहाँ किया है हमने रफली लेटर से यहाँ पे बाय किया है हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं कहीं पे भी नीचे बंद नहीं हुआ यहाँ पे जाके बंद हुआ तो हमारा यहाँ पर लेटर से हमने लो पे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी हमको कुछ ना कुछ पैसा तो आया ही है गया तो नहीं कुछ भी घर से कितना ज़ीरो टू फोर और ज़ीरो फोर फोर बी पॉइंट आए गए तो नहीं ना बस इसी तरह से हम चलते जाएंगे ये क्लोज हुआ ये लो अब अब ये क्लोज़ हुआ इसका लो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या नहीं हुआ लेकिन देख लो ढाई बज गए रिस्क लेना है, तो मेरा तो मन नहीं करता मैं दो ढाई बजे के बाद ट्रेड ढाई के बाद तो मैं नो ट्रेड जोन में आ जाती हूँ हाँ ट्रेड चल रहा है और मेरे ट्रेड ट्रेंडिंग में चल रहा है तो कंटिन्यू अदरवाइज आउट जहां तक स्काल्पिंग का सवाल है इसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे जैसे ये यहाँ से अंदर आए एग्जिट कर लो वापस बॉटम लाइन से टच करे और क्लोज ना करे फिर से एंट्री कर लो

ये कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म में सिर्फ 399 हंड्रेड में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो तुरंत एंट्री तुरंत एग्जिट छोटा छोटा प्रॉफिट छोटा छोटा लॉसेस तो मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया इस पर मान लो जैसे ये इनसाइड आया मैंने ले लिया यहाँ का एस डाला ऊपर गया ये जैसे इसके अंदर आया एग्जिट किया मैं यहाँ तक का वेट नहीं करती हूँ फिर वो हो गया स्कैल्पिंग फिर वापस ऊपर गया फिर वापस लेकिन उसमें एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट बहुत फास्ट रहेगी और यहाँ पे देखिए जो हम ट्रेलिंग वाला ट्रेडिंग वाला ट्रेड लेंगे अगेन ये उसके बाद फिर से ट्रेड लिया ट्वेंटी में या ये वाला ट्रेड मिला यहाँ पे ये क्लोज हुआ बाहर यहाँ पे एक ट्रेड बना इसका लो पे यहाँ पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका एस हिट हो गया एस हिट हो गया तो ठीक है हम तो ट्रेडर हैं एस हिट करा दिया एस एल हिट इज अस एल हिट नो थिंकिंग टाइस फिर ये बंद हुआ बाहर इसके हाई जैसे ही तोड़ा, बाय अगेन अब फिर से यहाँ पे इसके नीचे देखिए क्लोज दिया ही नहीं यहाँ पे जाके इसको क्लोज दिया है तो मतलब एस एल हिट हुआ ना एक कॉम्प्लिकेशन जो लोगों को आती है कि एस एल हिट होने के बाद हम ट्रेड नहीं ले सकते क्यों वापस ने ट्रेंड ऊपर दिखाया ट्रेडर है ट्रेडर हैं फिर से ले लो ऊपर आ जाओ इसी तरह से ये चल रहा है उसके बाद यहाँ पे मेरा एस एल हिट हो गया ठीक है एस एल हिट हो गया इसके नीचे गया नहीं तो मेरा दूसरा ट्रेड बना नहीं कहीं ऊपर बंद नहीं किया यहाँ किया हल्का सा हाई गया वापस एस एल हिट हो गया तो दो एस एल हिट हुए उसके बाद ये बंद नीचे और यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड अभी टू थर्टी फाइव हो गए इच्छा हो तो करो नहीं इच्छा हो तो मत करो राइट हैंड साइड दिख रहा है इसलिए आप बोल रहे हो कि करना है राइट हैंड साइड नहीं दिखता तो नहीं बोलते हाँ दुख होता बाद में आप लोगों को कि हाँ भाई मैंने करना था ये था वो था वो बाद की बात सब बाद में आई विल अवॉइड इफ पर्सनली इफ यू आस्किंग मैं अवॉइड करूँगी बिकॉज इट इज़ टू थर्टी के बाद का ट्रेड मैं नहीं लेती लेकिन जिसने भी लिया होगा उसको ये लॉटरी लग गई होगी लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होता है और फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो ठीक है सबके अपने अपने रूल्स हैं मेरा रूल अलाउ नहीं करता तो मैं नहीं करती तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक मुझे समझ में आई कि बैंड के साथ जो स्कैल्पिंग में करती हूँ आपको मैंने बता दिया आपको ये सैम्पल वीडियो समझ लो या एक ट्रेलर समझ लो बेसिक वीडियो समझ लो जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक नोविस ट्रेडर है रिटेल ट्रेडर है वो छोटे छोटे ट्रेड्स कैसे कर सकता है ये उसके ऊपर है अगर आपको ये पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए तो मैं इसका एडवांस वर्जन बना के दूँगी और जब इसका एडवांस वर्जन बना के दूँगी तो मज़ा आएगा एडवांस वर्जन के लिए मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए कमेंट भी करिए कि भाई आपको इसमें एडवांस टॉपिक चाहिए तो लिखिए नीचे कमेंट्स में कि आपको एडवांस टॉपिक चाहिए आपको ये अच्छा लगा और हो सके तो थोड़ा सा छोटा सा ट्राई करके भी देखिए तो जो मैंने सिखाया है उसको ट्राई भी करके देखिए लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी से कभी भी ट्रायल जो है बड़ी क्वांटिटी से नहीं करते बहुत छोटी क्वांटिटी से करके देखिए कैसा जा रहा है बट डिसिप्लिन कभी मत तोड़ना जो रूल हमने सेट कर दिया कि इसके नीचे एस एल हिट मतलब एस एल हिट खत्म और इसको कंटिन्यू करिए होल्डिंग पावर है तो कंटिन्यू करिए नहीं होल्डिंग पावर है तो बुक करते जाइए वापस जब वो नीचे आए फिर ले लीजिए फिर ऊपर बेच दीजिए तो स्कैल्पिंग भी करते जाइए वो भी कर सकते हैं आप अगर आप में जैसे जैसे स्कैल्पिंग बनते जाएगी बस अल्टीमेटली क्या है ट्रेंड मिल गया मुझे कि ऊपर है कि नीचे है तो ऊपर गया मैंने थोड़ा बुक कर लिया फिर थोड़ा करेक्शन आया फिर मैंने बाय कर दिया फिर थोड़ा ऊपर चला गया फिर बेच दिया फिर थोड़ा नीचे आया फिर ले लिया वो स्कैल्पिंग हो जाती है और कंटिन्यू होल्ड करके उसे एंजॉय कर रही हूँ राइड को उसे ट्रेडिंग कहते हैं इंट्राडे डे सो Enjoy the trading, my friends. Thank you.